हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब स्वस्थ हैं, दुरुस्त हैं और आप लोगों ने अपनी छुट्टियाँ एंजॉय की होगी। ओके, सो वेलकम अगेन ऑन ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, जिस प्रकार से आप फिजिकल क्लासेस में एंजॉय लेकर अपने पाठों को पढ़ते थे, सो आई होप इन वीडियोस के माध्यम से भी आप अपने लेसन्स को ध्यानपूर्वक और आनंद के साथ इनका लाभ। ठीक है, सो बच्चों, जो मैं आप लोगों के लिए नया लेसन लेकर आई हूँ वो आपके गद्य संकलन में से है, कहानी दो कलाकार, कहानी नंबर 10, दो कलाकार। ठीक है, और जो इसके लेखिका है वो है मन्नू भंडारी। ठीक है, ये आधुनिक लेखिकाओं में से एक लेखिका है। ठीक है, सो खैर, मन्नू भंडारी के जीवन पे प्रकाश हम आपकी पुस्तक में उनकी जीवनी का अवश्य पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इस कहानी के अंदर है क्या, थोड़ा सा मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। ठीक है, सो इसमें दो दोस्त हैं, दो सहेलियां हैं एक्चुअली, अरुणा और चित्रा। ठीक है, चित्रा चित्रकारा है और अरुणा जो है समाज सेविका। सो इन शॉर्ट बच्चों, क्या होता है कि चित्रा है वो एक भिखारिन मर गई है, उसके दो बच्चे जो हैं कि वो जीवित हैं अभी। सो जो चित्रा है उस मरी हुई भिखारिन के बच्चों की उसकी तस्वीर बनाती है, चित्र बनाती है ना, और बजाय इसके अरुणा क्या करती है, उन बच्चों को वो देती है। तो इसकी सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन सा हुआ, किसने एक्चुअली परोपकार किया, जी हाँ, है ना। सो चित्रा ने अपने प्रसिद्धि के लिए चित्र बना दिए, बाकी कोई लेना देना नहीं था, मरे पड़े हैं, मरी पड़ी है भिखारी तो मरी पड़ी है। लेकिन जब ये खबर चित्रा ने ही अरुणा को दी थी तो अरुणा तुरंत उतर गई और उसने को दी। तो लेखक का जो खास उद्देश्य इस पाठ के द्वारा यही है कि समाज में परोपकार का महत्व है, उस समाज का चित्र बनाने का कोई सार्थक उपयोग नहीं है। आप देखते हैं कि कहते हैं कि मन को हिलाने वाली ऐसी घटना की बेसहारा हो गए, नीचे हमारी पड़ी और आप चित्र खाली कर रहे होंगे। सो यहाँ पर लेखक का खास उद्देश्य यह है कि ईश्वर मानव का तबीज हमारे भीतर बोया है तो उसका प्रयोग करें, और प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो आगे। चलिए बच्चों, हम इस कहानी को शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक इस कहानी को सुनेंगे भी और समझेंगे। चलिए शुरू करें। दो कलाकार, पेज नंबर 64। ए रोनी, उठ, कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। अरे क्या है, आंख मलते ही तनिक खिचलाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। समझो, यहाँ पर ये दो दोस्त हैं, सहेलियां हैं। ठीक है, सो यहाँ पर रूनी कहकर कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर दिया। तो चित्रा और अरुणा दो यहाँ पर मित्र है ना। सो चित्रा ने क्या किया, उसको खींचकर अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाई और कहा, पूरी हो गई देख। सो यहाँ देखेंगे बच्चों हम लोग, ओहो तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, नाप आ गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। ठीक है, सो इतना शौक है, आप देख सकते हैं इस चित्र को, चित्रकारी का, और कह रही है कि ये पेंटिंग मेरा पहला इनाम पाएगी। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली, किधर से देखूं यह तो बता दे, हजार बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे,
वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गाड़ते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर यह किस जीव की तस्वीर है। सो बच्चों, उसने कुछ मॉडर्न आर्ट बनाई है जो कि अरुणा नहीं समझ पा रही है। तो आपको यह कोई जीव नज़र आ रहा है? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। सरुणा कहती, क्या घनचक्कर बनाया है। घनचक्कर यानी कि चक्कर में डालने वाला चित्र है कुछ। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। ज़रा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है। तेरी बेवकूफ़ी का, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और अरुणा मुँह धोने के लिए बाहर चली गई। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों, अंत में ये शब्द लिखा है लॉटी, पेज नंबर 65। लॉटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। सो यहाँ पर ये अरुणा बच्चों को पढ़ाती है। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियाँ लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। तो यहाँ पर ये चित्रा बड़बड़ कर रही है अरुणा का इंतजार करते करते। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है, ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर पियेंगे। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली, आज पिताजी का भी पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं जानती तो थी कि पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है? पर सच कहती हूँ, मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे, अरुणा आवेश में बोली। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती, क्यों? तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं यानी कि कूचियों में डूबी रहती है। कूची ब्रश बचो। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह, हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज़ पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की ज़िंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। सो ये सारी बात अरुणा चित्रा को कह रही है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट पेज पर देखेंगे आगे क्या होता है। काम, वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया है, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने का झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थी। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान सर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया।
आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है, प्रिंसिपल से अनुमति ले ली है, मैं भी उनके साथ जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने कहा। कहाँ जा रहे हैं यहाँ पे अरुणा जो स्वयंसेवी है, वो कह रही कि आज शाम को एक स्वयंसेवी दल जा रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित है उनको सहायता देने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर चित्रा की बात उसने सुनी नहीं और उसने कहा कि मैं जा रही हूँ। ठीक है, शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी थी, सूरत ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। यहाँ पर अरुणा काफ़ी परेशानी से आ भी रही थी पीड़ितों की मदद करके, वहाँ से भी उसका हृदय दुख से भरा हुआ था। यहाँ पे भी उसने जब चित्रा के बनाए हुए चित्र देखे तो उसका मन और दुखित हो गया, है ना। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्या चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया, है ना, क्या पूछा अरुणा ने कि तुझे विदेश जाना था तो तेरे जाने का हो गया तय कि नहीं हुआ। हाँ, अगले बुध को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा से बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास उसके स्वर में झलक पड़ रहा था। सुचित्रा खुश थी, वो बाहर जा रही थी। सच कह रही हूँ, तू चली जाएगी चित्रा, ऐसे उसने पूछा। 6 साल से साथ रहते रहते यह बात तो मैं भूल ही गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तू चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी, उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में, सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। आज चित्रा को जाना था, अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही। एक एक करके चित्रा सबसे मिलने आई, बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वे जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देखा है कि आखिर बात क्या हो गई। तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना पड़ा, सुने तो, 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना, लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा होटल के फाटक पर आ गई, तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टेशन छोड़ने तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए, रेल चल पड़ी पर अरुणा ना आई, सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। ठीक है, सो यहाँ पर चित्रा विदेश पहुँच गई है, वो अपनी चित्रकारी कर रही हैं। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया, तो यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्धि पाली बच्चों। ठीक है, विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसा अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा के पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पहले वो
चित्रा से पत्र एक दूसरे को लिखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गया। पिछले एक साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका। जाने क्या था उस चित्र में जो देखता चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। उद्घाटन के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। ठीक है बच्चों, सो यहाँ पर 3 साल बाद वो वापस भारत लौटी है, उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी है ना, काफ़ी प्रसिद्धि पा चुकी है। सो उसकी प्रदर्शनी के जो उद्घाटन था, चित्रा को ही स्वयं उसी को बुलाया गया उसके चित्र प्रदर्शनी के लिए। सो नेक्स्ट पेज पर देखेंगे कि आगे क्या हुआ। पेज नंबर 68। उस भीड़भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रा को नहीं, चित्रा को देखने आई थी, तू तो एकदम भूल गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? दो प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। किसको आदेश दिया? जिसके साथ दो बच्चे खड़े थे। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा आपाक होकर कभी बच्चों को कभी अरुणा के मुंह को देखती रही। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीर बनाती है, ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। आप हमें सब तस्वीरें दिखाएंगी मौसी? बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुँचे। चित्रा ने कहा, यह वह तस्वीर है रोनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छपाई छाप लगाई। सो जो बड़े भाई बहन होते हैं वो ज़रा ज़्यादा अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं। सोचने का तुझे दिखता नहीं यहाँ पे उसकी मम्मी मर गई है इसलिए वो रो रही है ना। आगे देखेंगे, ये सचमुच के बच्चे थे मौसी, बालिका का स्वर करुण से करुणतर होता जा रहा था। तो इस बालिका को देखकर भी उसको बालिका ने चित्र देखकर उसको बहुत दुख हो रहा था कि ऐसे मम्मी मर गई है और बच्चे वहाँ पे हैं। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई है ये तस्वीर मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी और परियों की, है ना, बच्चों ने ऐसा बोला। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुँचे। साधारण बातचीत के पश्चात अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बच्चों। बच्चे इच्छा ना रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। सब बच्चे जाना नहीं चाह रहे थे प्रदर्शनी छोड़कर, लेकिन वो पापा के संग चले गए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे, वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रोनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है? एक क्षण रुककर
अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। सो बच्चों, मनु भंडारी जी द्वारा रचित ये बड़ी ही सुंदर कहानी है, और इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अरुणा ने अपने परोपकार द्वारा इन असहाय बच्चों को अपना लिया, और दूसरी ओर जो चित्रा थी उसने अपने शौक के लिए, अपनी अपने जॉब के लिए या अपनी प्रसिद्धि के लिए फटाफट उस जो उसके सामने एकदम प्रत्यक्ष घटना थी कि बिल्कुल माँ मरी है, बच्चे बिलख रहे हैं, वो सारी चीज़ें भूलकर उसे ऐसा लगा कि इससे बढ़िया चित्र कोई और होगा ही नहीं। लेकिन इनमें से मानवता क्या है? सो मानवता यही है कि मनुष्य के हृदय में परमेश्वर ने बिल्कुल ये प्रेम का बीज बोया है, दया का बीज बोया है, करुणा का बीज बोया है, तभी हम परोपकार कर सकते हैं। और अरुणा ने ऐसा ही किया। उसने जैसे ही खबर सुनी चित्रा के द्वारा कि मैं वो स्केच, रफ स्केच बनाने में देर हो गई, वो उसी समय भाग निकली उन बच्चों को संभालने के लिए, और वो चित्रा को सी ऑफ करने के लिए भी नहीं आई थी। सो यहाँ पर अंत में जो चित्रा है उसके मुख से कोई भी शब्द नहीं निकल पाया है। सो वो कह रही थी कि आप देख सकते हैं कुछ नहीं, डैश डैश, मैं डैश 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 सोच रही थी कि डैश डैश, ठीक है। सो ज़्यादा अच्छा कार्य किसका है? सो ये कहानी है दो कलाकार। सो आई होप आप सभी बच्चों को समझ आई होगी, और इसे अच्छे से समझकर प्रश्नोत्तर की तैयारी भी आप लोग करें। सो थैंक यू, बाय बाय।